Hey my cuties, welcome and welcome back to my YouTube channel Top to Bottom, and this is Jyotri. So how are you all? Hope you all are doing great. So guys, आप लोग देख सकते हो कि मैंने इतना सारा कुर्ती ऑर्डर किया हूँ फ्लिपकार्ट से, कंसीडरिंग दिस समर सीजन, ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर, डेली वेयर, वेडिंग सीजन एंड पार्टी वेयर के लिए मैं जल्दी ही एक अलग सी हॉल लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। ये सारे कुर्ती मैंने ऑर्डर किया हूँ अंडर 350 रुपीस। एक्चुअली इनमें से एक या दो कुर्ती ही होगी जो कि 300 रुपीस से ऊपर होगा, बाकी सब तो अंडर 300 रुपीस ही है। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो फिर आप लोग खरीद सकते हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर प्लीज एक छोटा सा लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे छोटे से चैनल को ग्रो करने के लिए। तो फिर चलिए जल्दी से ऑन बाई ऑन इसे अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ एंड देखती हूँ कि इसका मेटेरियल एंड फिटिंग्स वो कैसा आता है। मैं रैंडमली एक ऑन बाई ऑन अनबॉक्सिंग करती हूँ। सबसे पहले मुझे ये हाथ में लगा, तो फिर मेरा फर्स्ट कुर्ती है ये वाला। इसका फैब्रिक प्योर कॉटन में है एंड यहाँ तक एक जिप दिया हुआ है, जो लोग बेस्ट फिटिंग कराते हैं उस लड़कों के लिए एक काफी अच्छा है। तो फिर चलो जल्दी से मैं इसे वेयर करके देख लेती हूँ कि इसका फिटिंग्स कैसा आया है। मैंने इसे मीडियम साइज में ही परचेस की थी क्योंकि मेरा रेगुलर साइज मीडियम है, लेकिन ये चेस्ट के एरिया से थोड़ा टाइट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग आपका रेगुलर साइज से एक साइज बड़ा लेना। अगर आपका रेगुलर साइज मीडियम है तो फिर आप लार्ज लेना, अगर एस है तो फिर आप लोग मीडियम लेना। कुर्ती का प्राइस मुझे पड़ा था शायद 280 रुपीस, मुझे अभी याद नहीं है। ये कुर्ती आपको मीडियम टू डबल एक्सएल साइज में अवेलेबल हो जाएगा एंड ये और भी 4 कलर पे अवेलेबल है। इसके साथ आप लोगों को मिल जाएगा इतना लेंथ का स्लीव। रिक्वेस्ट, एक कुर्ती काफी अच्छा है, अगर आप चाहो तो फिर आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो, लेकिन आपको एक साइज बड़ा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फिर चलिए अब जल्दी से मेरा नेक्स्ट पार्सल को भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं ऑर्डर किया हूँ ये वाला कुर्ती। इसका फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड ये सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कपड़े की क्वालिटी काफी अच्छा है। मैंने इसे भी मीडियम साइज में ही परचेस की थी। तो फिर चलिए मैं जल्दी से इसे वेयर करके देख लेती हूँ कि ये कैसा आया है। गाइस, इस कुर्ती का क्वालिटी एंड मटेरियल काफी अच्छा है, कपड़े का क्वालिटी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, आपको पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा एंड इसके साथ ही आप लोगों को मिल जाएगा 3/4 स्लीव्स एंड यहाँ से एम्ब्रॉयडरी का पूरा काम किया हुआ है। गाइस, मैंने इसे भी मीडियम साइज में ही परचेस की थी। इसका फिटिंग्स ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिटिंग्स ठीक ठाक है। अगर आप चाहो तो फिर आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि कुर्ती का लेंथ कितना अच्छा है। अगर आप ऑफिस वेयर या फिर कॉलेज वेयर के लिए कुछ अच्छा सा एथनिक सा कुर्ती ढूंढ रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली इसे इस समर के लिए ले सकते हो। ये कुर्ती आप लोगों को और भी 3 कलर पे मिल जाएगा, पिंक, ब्लू एंड रामा, एंड इसका अवेलेबल साइज है स्मॉल टू डबल एक्सएल। अब इस पार्सल को अनबॉक्सिंग करती हूँ एंड देखती हूँ कि इसमें क्या आया है।
एक कुत्ते मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर अभी देख लेती हूँ कि ये कैसा आया है। ये एक प्रिंटेड कुत्ती है, इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, तो फिर चलिए अब इसे भी मैं वेयर करके देख लेती हूँ कि ये का फिटिंग कैसा है। मटेरियल वाइज ये तो ठीक ठाक ही है, प्योर कॉटन का है। इसका नेक का डिजाइन कुछ ऐसा है एंड इसमें आपको फुल बॉडी पे ऐसा प्रिंट मिल जाएगा एंड इसके हैंड पे आप लोगों को ऐसा काम मिल जाएगा। लुक वाइज एंड क्वालिटी वाइज मुझे ये कुर्ती काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब आज मैंने आप लोगों को लिए जितना भी कुर्तियां लेके आए हूँ अभी तक मैंने जो जो कुर्तियां अनबॉक्सिंग किया हूँ उसमें से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा एंड सबसे प्यारा कुर्ती ये लगा। इसका डिजाइन एंड क्वालिटी एंड फिटिंग्स सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप चाहो अंडर 300 रुपीज में कुछ अच्छा सा सामान के लिए लेना तो फिर आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। ये कुर्ती आप लोगों को स्मॉल से 3XL तक मिल जाएगा। तो फिर चले अब जल्दी से मेरा नेक्स्ट पार्सल को अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखती हूँ कि उसमें क्या आया है और मैंने क्या ऑर्डर किया था। ओके, मेरा नेक्स्ट पार्सल है ये वाला, इसे मैंने थोड़ा सा काट कर लिया था। ये एक्चुअली अनारकली कुर्ती है। वाह, इसका मटेरियल तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। एक स्लीवलेस कुर्ती है। और इसके साथ अटैच्ड स्लीव दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी काम का है। क्वालिटी वाइज ये काफी अच्छा है। एक प्रिंटेड कुर्ती है, फ्रंट पे इसका है राउंड नेक, सॉरी फ्रंट पे आप लोगों को कुछ ऐसा डिजाइन मिल जाएगा या फिर बटन से शो के लिए। और बैक पे है राउंड नेक एंड पूरा कुर्ती प्रिंटेड है। यहाँ पे ये फैब्रिक का प्रिंट है, ठीक है। देखने से तो ये कुर्ती काफी अच्छा लग रहा है, तो फिर चलिए मैं जल्दी से इसे वेयर करके ही बता देता हूँ कि इसका फिटिंग्स कैसा है। क्वालिटी वाइज ये कुर्ती काफी अच्छा है, पहनने के बाद आपको बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा। मैंने इसे भी मीडियम साइज में ही परचेस की थी क्योंकि मेरा रेगुलर साइज मीडियम है, लेकिन ये मुझे काफी लूज हो रहा है। मुझे इसे एक्सचेंज करके स्मॉल साइज लेना पड़ेगा। अगर आप लोग इस कुर्ती को लेना चाहते हो तो फिर आपका रेगुलर साइज से एक साइज छोटा लेना, अदरवाइज ये कुर्ती काफी अच्छा है मटेरियल वाइज। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस कुर्ती का फिटिंग्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन कपड़े का क्वालिटी काफी अच्छा है। आप लोग देख सकते हो कि हैंड से भी ये काफी ज्यादा ढीला है। अगर आप लूज कुर्ती पहनना चाहते हो तो फिर इसे आपका रेगुलर साइज में ऑर्डर करना, एंड अगर आप एक्चुअल फिटिंग कुर्ती पहनना चाहते हो तो फिर आप इसे आपका रेगुलर साइज से एक साइज छोटा ऑर्डर करना। प्राइस है 389 रुपीज, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने ये कुर्ती 300 के अंदर ही ऑर्डर किया था। एंड ये कुर्ती आपको अवेलेबल है मीडियम टू डबल एक्सल साइज तक है। आप चले बताते हैं हमारा नेक्स्ट पार्सल की तरफ, जल्दी से उसे भी कर लेते हो अनबॉक्सिंग।
ये भी एक कॉटन कुर्ती है, लेकिन ये उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो बार वॉश करने के बाद ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसका स्लीव्स यहाँ तक है एंड स्लीव्स पे ऐसा काम किया हुआ है, एक्चुअली वो किया हुआ है। एंड इसका फ्रंट का नेक का डिजाइन ऐसा है एंड बैक ऐसा। तो फिर चले मैं जल्दी से इसे भी वर्क कर लेती हूँ एंड देखती हूँ इसका फिटिंग्स वगैरह कैसा है। इस कुर्ती का प्रिंट एंड डिजाइन मुझे काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दी थी, लेकिन ये उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, मुझे उतना अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। अब आप लोग की बताना कि मुझे इसे रखना चाहिए या फिर रिटर्न कर देना चाहिए। ये चेस्ट एरिया से थोड़ा सा टाइट है, लेकिन इसके अलावा इसका बाकी फिटिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसका क्वालिटी मुझे पता नहीं क्यों प्योर कॉटन का है ये, लेकिन फिर भी मुझे चुप रहा है, मुझे वो कंफर्टेबल सा फील नहीं आ रहा है। अभी इस कुर्ती का प्राइस है 299 एंड ये कुर्ती अवेलेबल है मीडियम से ट्रिपल एक्सेल तक। तो फिर चलिए आज का हमारा आखिरी वाली कुर्ती अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, लेकिन एक यार स्लिप करने ऐसे ही भेज दिया। मुझे ना ऐसे वाला पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जो खरीदूंगी वो किसी और को क्यों पता चलेगा, कुछ तो प्राइवेसी होना चाहिए ना। इस कुर्ती का मटेरियल काफी सॉफ्ट है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये कॉटन ब्लेंड का है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सिंथेटिक टाइप का कुछ होगा। मुझे इसका मटेरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सॉफ्ट है। अगर आप सिर्फ कॉटन पहनते हो तो फिर आप इस समर पे इसे मत लेना, एंड अगर आप अदर्स मटेरियल के साथ भी एडजस्टेबल हो तो फिर आप इसे ले सकते हो। ये प्रिंटेड कुर्ती है, इसका प्राइस मुझे 200 समथिंग पड़ा था, लेकिन अभी दिख रहा है कि इसका प्राइस 499 रुपीस है एंड ये अवेलेबल है स्मॉल से ट्रिपल एक्सेल तक। 200 समथिंग रुपीस में भी ये ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप 500 दे के ये कुर्ती लो। ये एक प्लेन सा कुर्ती है और इसका फैब्रिक भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर आप इतना पैसा क्यों वेस्ट करना। अगर आप लोगों को ये कुर्ती अच्छा लग रहा है तो फिर कार्ट में सेव करके रखना, अगर कभी भी इस कुर्ती का प्राइस गिर जाए तो फिर आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। अब चलो इसे पहन के दिखा देती हूँ कि इसका फिटिंग्स कैसा है। इस कुर्ती का मटेरियल सॉफ्ट है, लेकिन समर के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, एंड इसका फिटिंग्स भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मुझे इसका फिटिंग्स अच्छा नहीं लगा। ये कुर्ती देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था, लेकिन अब मुझे ये कुर्ती बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो इसे रिटर्न करने वाली हूँ एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, तो फिर आप इसे मत लेना। अगर आप विंटर के लिए लेना चाहते हो तो फिर तब ले सकते हो, लेकिन इस समर के लिए इसे बिल्कुल भी मत लेना। तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पे, तो अब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा।